Hello friends, I, Kundan Kumar Singh, welcome you all in the Mahamana Education Hub video. Friends, in this video, I am going to tell you about some important one-word substitution. If you are preparing for any entrance examination like Banaras Hindu University, Allahabad University, Aligarh Muslim University, Jawaharlal Nehru University, Jamia Millia Islamia University, and there are many central universities in the country like Anna University, Jadavpur University, and many more. So these one word substitution are going to be very, very helpful. Even apart from these examinations, if you are preparing for banking, railways, SSC, Staff Selection Commission, UPSC, NDA, and many more exams, these one word substitutions are going to be very, very helpful to you. So please watch it very carefully, and please try to watch the full video. It is not going to be less than, not more than 11 or 12 minutes. So after watching it is my humble request to all of you that please share it to maximum of your extent. And if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel so that in future whenever I upload any new video, so you couldn't miss video, because that is very, very important for your life, for your preparation, and many more. So not taking much of your time, let me start. The first one is a number of stars grouped together. तारों के समूह को क्या कहते हैं? Stars, a number of stars grouped together. मतलब ढेर सारे तारे जब एक जगह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उस ग्रुप को constellation बोलते हैं. आपने साइंस में पढ़ा होगा constellation. Constellation is what? A group of stars is called constellation. C-O-N-S-T-E-L-L-A-I-T-I-O-N. Constellation. Next one is a paper written by hand. एक ऐसा पेपर जो कि हाथ से लिखा गया हो उसे क्या बोल देंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट बोल देंगे. मैनू, देखो मैनू जो वर्ड है ये मैनुअल से आया है. इसका मतलब होता है जो इंसान काम करता है, इंसान अपने मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल. गेटिंग दैट? और स्क्रिप्ट मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. मीन्स वॉट? अ पेपर रिटन बाई हैंड, दैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट वन इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबल. सिलेबल क्या होता है? जैसे एक वर्ड हुआ, मान लिया जाए सिलेबल ही ले लिया हमने, सिलेबल, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये किस किस से बना है? एक तो सिल एंड एबल, सिल एंड एबल, तो दिस इज पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड सिलेबल. तो व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड बाय पार्टिंग इट सेपरेटली एंड देन इट इज कॉल्ड सिलेबल. ओके, अंग्रेजी में पढ़ने के लिए है. इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, अगर फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो भी पढ़ाई जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड सिलेबल, अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली. सिल एंड एबल, दैट इज सिलेबल. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर इज कॉल्ड व्हाट? इमाइग्रेंट. इमाइग्रेंट किसको कहते हैं? अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर. जैसे किसी दूसरे, जैसे पाकिस्तान का आदमी भारत में आया और यहाँ सेटल होने के लिए आया, तो ही विल बी कॉल्ड, ही और शी विल बी कॉल्ड इमाइग्रेंट. जैसे रोहिंग्या जो आए हुए हैं बांग्लादेश, म्यांमार से, तो म्यांमार से इंडिया में आए हुए हैं, तो दोज विल बी कॉल्ड इमाइग्रेंट. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एन्जॉयमेंट स्पेशली दैट ड्राइव फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक विल बी कॉल्ड व्हाट? एपिक्यूरियन. एपिक्यूरियन किसको बोलेंगे? एक ऐसा इंसान जो कि अच्छा खाना और शराब वगैरह, मदिरा वगैरह का सेवन में विश्वास रखता हो, उसको ज़्यादा मजा आता हो, तो ही वुड बी कॉल्ड, ही और शी वुड बी कॉल्ड व्हाट? एपिक्यूरियन. जैसे विजय माल्या बोल देंगे हम, अरे तो एपिक्यूरियन बोल सकते हैं उन्हें, और कुछ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो एपिक्यूरियन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज. एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 80 साल की हो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टोजेनेरियन. ऑक्टोजेनेरियन, देखिए ऑक्टो मतलब होता ही है 8. ऑल राइट. ऑक्टोजेनेरियन, जेनेरियन मीन्स 80 ईयर्स ऑफ एज. तो इसमें 8 एज नेरियन बना है, नेरियन इज रिप्रेजेंटिंग 10 ओवर हेयर. तो ऑक्टोजेनेरियन मीन्स अ पर्सन ऑफ 80 ईयर्स एज. इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे आप, तो सारे के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है. और पेन कॉपी हाथ में रखा कीजिए, ताकि कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, उसे लिख लिया कीजिए, और दिन भर में एक आध बार उसे देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा 2-3 बार देखने के बाद. अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल इज कॉल्ड आउटराइडर. आउटराइडर किसको बोलेंगे? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन, सॉरी, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल इज कॉल्ड व्हाट? आउटराइडर. नेक्स्ट वन इज
A person interested in collecting, studying and selling of old things is called antiquarian. देखिए antique मतलब होता है पुराना, इतना जान लीजिए. antique मतलब होता है पुराना, और quarian का मतलब ये हो गया कि a person who is interested in collecting, जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने में, उसको जानने में और उसको बेचने में इंटरेस्ट दिखाता है, उसको क्या बोल देंगे, antiquarian. antiquarian. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड बुक वॉर्म. किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं, क्या होता है वो, जो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ना चाहता हो दिन भर रात भर हमेशा और हमेशा, तो उसे क्या बोल देंगे आप, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा. अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्या बोलेंगे, एग्निस्टिक. ऑग्निस्टिक एग्नोस्टिक किसे कहेंगे, जी मतलब एक तरह से जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, जो नहीं समझता हो कि ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ही वुड बी कॉल्ड, ही और शी वुड बी कॉल्ड एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह नास्तिक थे इनफैक्ट, आपको मैं बता दूं. अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एग्नोस्टिक. वैसे थिस्ट और एथिस्ट एक अलग बात है, जो भगवान में विश्वास रखता है और नहीं रखता है, थिस्ट एंड एथिस्ट, बट दिस वर्ल्ड इज, ही इज़ नॉट श्योर मीन्स ही इज डाउटफुल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ही और शी वुड बी कॉल्ड एग्नोस्टिक. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर वुड बी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल. जैसे शशि थरूर, शशि थरूर इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, गेटिंग दैट. लाइकवाइज इवन अरुण जेटली, अरुण जेटली इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर वुड बी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल, गेटिंग दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आम भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड इंटेलेक्चुअल. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन इज कॉल्ड सीनिक. सीनिक एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होने में विश्वास करता है, जो मतलब हमेशा और हमेशा अपना भला चाहेगा, दूसरों की भलाई नहीं करना चाहेगा, सिर्फ अपने मतलब ही जिसको बोलते हैं, तो ही इज और शी विल बी कॉल्ड व्हाट, सीनिक. ही इज सीनिक इन नेचर, ही और शी इज सीनिक इन नेचर, मतलबी, मीनफुल बोलेंगे. अ पर्सन हु ब्रेक्स इन टू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, उसको क्या बोलेंगे, बर्गलर. बर्गलर किसे बोल देंगे, वैसे रॉबरी जानते होंगे, डकैती जानते हैं, तो डकैती टाइप का है ये बर्गलर. जैसे जो किसी दूसरे के घर में घुसेगा किस लिए, चोरी करने के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे, बर्गलर. बर्गलर हु ब्रेक्स ओपन द लॉक एंड एंटर इन साइड एनी हाउस एंड टू स्टील समथिंग, ही और शी विल बी कॉल्ड व्हाट, बर्गलर. अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली into the country. A person who brings goods illegally into the country is called smuggler. Smuggler क्या बोलेंगे, जो मतलब चीज़ें अलाउ ना हो, इलीगल हो और उसे अपने देश में लाता हो, उसे स्मगलर बोलेंगे. जैसे मान लिया जाए कोई पाकिस्तानी है और वो कुछ चीज़ें चुरा के ले आया, चाहे इंडिया से ले के जा रहा है वो पाकिस्तान, जो चीज़ें बैन है, जो चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है लीगल रूप से, तो उसको क्या बोल देंगे, स्मगलर. बेचने के लिए ले जाएगा, जैसे कुछ भी बोल देंगे, कोकीन, गांजा या कुछ इस तरह के पदार्थ जो कि बैन है, तो उसे क्या बोल देंगे, स्मगलर. उसे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मगलिंग. आपने सुना होगा इसे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रचलित शब्द है. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट किसको बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट एक ऐसे बेनेवोलेंट इंसान को बोलेंगे जो हमेशा दूसरों की सेवा और सेवा करना चाहता हो. अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जिसने जैसे मदर टेरेसा बोल देंगे. मदर टेरेसा क्या थी, वो 13-14 ईयर्स की एज में इंडिया आई थी, एंड शी स्पेंट होल ऑफ हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स. दीन दुखियों की सेवा में बिता दिया उसने, तो ये वो क्या थी, एक अल्ट्रुइस्ट थी. शी वॉज एन अल्ट्रुइस्ट, और उन्हें बाद में नोबल प्राइज भी दिया गया पीस का, शांति का. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन क्या बोलेंगे, पैगन. पैगन क्या होता है, पैगन एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी धर्म विश्वास नहीं करता हो, किसी भी धर्म विश्वास नहीं करता हो, उसको बोल देंगे पैगन. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत जगह इसे इस वर्ड को पाया है न्यूज़पेपर में, और कई सारे नोवेल्स पढ़ते समय मैंने देखा है इसे पैगन बोलते हैं. पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन इज कॉल्ड पैगन. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स इज कॉल्ड व्हाट, पुंटर. पुंटर किसे बोलेंगे,
पुंटर बोलेंगे जो इंसान जुआ खेलता है और ज़्यादा बाजी लगाता है उसको क्या बोल देंगे, पुंटर. गेटिंग दैट, पुंटर. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी इज कॉल्ड व्हाट, समारिटन. समारिटन, समारिटन, समारिटन किसे कह देंगे, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी. कोई भी एक स्ट्रेंजर होता है, एक राहगीर होता है, एक नया आदमी होता है, उसे भी अगर वो दुख में देखेगा तो उसे मदद करेगा, उस तरह के इंसान को क्या बोलते हैं, समारिटन. समारिटन. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग. अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, स्टिकलर. स्टिकलर, स्टिकलर किसे कह देंगे, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग इज कॉल्ड स्टिकलर. स्टिकलर इज व्हाट, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग इज कॉल्ड स्टिकलर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, मतलब ऐसा इंसान जिसे हर एक चीज़ में उसे एक रोशनी दिखाई देती होगी, एक पॉजिटिविटी दिखाई देती होगी, तो ही और शी इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट. जैसे नरेंद्र मोदी इज वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन. गेटिंग दैट, ऑप्टिमिस्ट. बहुत, विवेकानंद वॉज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, इसे बोल देंगे बायलिंगुअल. मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दो भाषाओं में, जैसे हिंदी और इंग्लिश में, तो वो बहुत ही अच्छा हो, तो ही और शी वुड बी कॉल्ड बायलिंगुअल. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम इज कॉल्ड वेनरेबल. एक ऐसा इंसान जो कि अपने चरित्र की वजह से, अपने महानता की वजह से हर जगह ही पूजा जाता हो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो दीज पीपल आर कॉल्ड वेनरेबल. वेनरेबल, वी ई एन ई आर ए बी एल ई. देखिए ये चीज़ें सुनने के बाद ही याद होंगी, लिखने के बाद याद होंगी, एक बार में तो बिल्कुल, मतलब कुछ याद हो जाएंगी क्योंकि कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सम आर डिफिकल्ट विच यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू लिसन ट्वाइस थ्राइस थ्रू द वीडियो, देन ओनली विल बी एबल टू मग इट अप. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीफ्स इज कॉल्ड मार्टियर. मार्टियर समझते हैं, अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीफ्स इज कॉल्ड मार्टियर. या मार्टियर कह सकते हैं इसे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट आई विल बी ब्रिंगिंग सम मोर वीडियोज, सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली एंड डू वॉच इट 3-4 times so that you remember it very well and then make a notes also and try to see twice thrice and you will never forget this in life. So thank you for watching the video and all the best for a bright future. Thank you very much and all the best.